पास्ट जो गुजर गया, प्रेजेंट जो हमारे पास है, पास्ट जो गुजर गया और फ्यूचर जो आने वाला है। इसमें मैंने एक बात सीख ली, जो हमेशा पास्ट में रहेगा वो डिप्रेसिड रहेगा। जो हमेशा पास्ट माजी में रहेगा कि क्या हुआ, हमें ये करना था, हमें वो करना था, उस टाइम हमें इस रास्ते से जाना था लेकिन हम उस रास्ते से निकल गए, हमें स्ट्रेट जाना था लेकिन हम गिर गए, हमें उसको दोस्त बनाना था, उससे शादी करनी थी, उस रिश्ते को संभालना था, उस रिश्ते को छोड़ना था, माइंड डियर वो हमेशा डिप्रेसिड रहेगा, वो टेंशन और एंग्जाइटी में रहेगा। और दूसरा जो मैंने कहा, ये जो प्रेजेंट, जो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा वो हमेशा खुश रहेगा। जो प्रेजेंट हमेशा, अगर हम किसी को पूछते हैं माय डियर कि इट्स अच्छा आपको दिन याद है, चाहे वो अरबपति हो, ट्रिलियनर हो, बिलियनर रुपया हो उसके पास, अरबपति हो, करोड़पति हो, लाखपति हो, लेकिन आप देख लेना, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, जब हम किसी को कहते हैं दीज आर द गोल्डन डेज, उसमें गरीबी थी, पैसा बहुत कम था लेकिन खुशी और सुकून बहुत ज्यादा था। लेकिन बदकिस्मती से वी आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर अ गुड टाइम दैट नेवर कम्स। इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट वाला जो दिया मैंने, ये है खुशी, जो प्रेजेंट में रहेगा वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा हर किसी मोमेंट को एंजॉय करता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। और दूसरा है फ्यूचर, जो फ्यूचर में रहेगा माय डियर वो सक्सेसफुल बनते हैं माय डियर। इन द सेंस फ्यूचर वाले को मैं कहता हूं एंशियस, जो फ्यूचर में रहेगा वो एंशियस होता है, मुझे करना क्या है, तस्वुर करता है, विजुअलाइजेशन करता है कि मुझे जाना कहां है, उसको पता होता है मुझे जाना कहां है, मेरा टारगेट कौन सा पहाड़ है, उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, उसके बाद मेरा टारगेट क्या है। वो हमेशा फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी तैयार रखता है। और ऐसे इंसान वाले जो फ्यूचर में रहते हैं वो नाकामयाब नहीं होते हैं माय डियर। अगर आप आजकल के जो